मुझे आपको ये बताना है कि कोडिंग की जरूरत क्यों है। तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं, हम लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ अ कैलकुलेटर, बहुत ट्रेडिशनल चीज है और लगभग शायद सभी लोगों ने देखी भी होगी और सुनी भी होगी। अर्श अर्श ध्यान से सुनना बेटा, विशु अर्श शार्वी एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट हियर बेटा, कैसे हम लोग इसको बता रहा हूं मैं। आई टेक अ बहुत कॉमन एग्जाम्पल, आपने अगर सुना हो तो कैलकुलेटर आपने यूज करा है। कैलकुलेटर क्यों यूज करते हैं चैटबॉक्स में लिख के बताओ, कैलकुलेटर व्हाई डू वी यूज कैलकुलेटर, व्हाई डू वी यूज कैलकुलेटर चैटबॉक्स में अगर लिख के बता पाओगे, व्हाई डू वी यूज कैलकुलेटर। लेट मी सी द रिस्पॉन्स ऑन द चैटबॉक्स। यस, टू मेक कैलकुलेशन फास्टर एंड इजियर, वेरी गुड बेटा। यस एंड पेपर कॉन रोबोट अथर, ओके, टू डू कैलकुलेशन, वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए बहुत सारे लोग जो है वो मुझे इसके बारे में लिख के भेज रहे हैं। सो देखिए हम लोग कैलकुलेटर को यूज करते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए, और कैलकुलेशंस क्यों करना है, क्या हम नहीं कर सकते कैलकुलेशन, बट जब ह्यूमन कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे मैंने किसी को बोला कि 738 इंटू 536 करके बताओ, तो दो चीजें होंगी, एक कई सारे लोग हो सकता है सही जवाब दें और कुछ हो सकते हैं गलत भी दे दें। दूसरा, हमें अभी इसको कैलकुलेट करने में समय लगेगा, आपको हो सकता है 1 से 2 मिनट का समय लगे जिसको आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। बट वही जब मेरे दिमाग में ये चीज, मुझे ये मेरे सामने दो प्रॉब्लम्स थी, समय भी ज्यादा लगता है और हो सकता है एक्यूरेसी ना हो। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमने एक डिवाइस बनाई, या ह्यूमन बींग ने एक डिवाइस बनाई जिसका नाम क्या है, कैलकुलेटर, जो कि क्या करता है, कैलकुलेशंस को एक्यूरेट करता है और फास्ट करता है। आप अगर 397 इंटू 536 उसके अंदर लिखोगे तो वो 10 में से 10 बार, 10 में से 10 टाइम्स जो है वो एक ही रिजल्ट देगा आपको, और वो भी एक्यूरेट देगा, और बार बार कर पाएगा और फास्ट कर पाएगा। यही चीज जो है वो मुझे मोटिवेट करती है इन टाइप की डिवाइसेस को बनाने के लिए। तो मैं क्या करना चाहता हूं, देखो आप और हम जो है, जो आप यंग इनोवेटर्स हैं सभी लोग, हम लोग क्या करेंगे, हम अपने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, वी विल गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, और ये इंस्ट्रक्शन जो है वो इस कंप्यूटर के अंदर लिखे जाएंगे किसके फॉर्मेट में बेटा, किसके फॉर्मेट में, कोड के फॉर्मेट में, कोडिंग के फॉर्मेट में। और ये जो इंस्ट्रक्शन है वो अल्टीमेटली किसी यूजर से बातचीत करेंगे। यूजर कौन हो, जैसे कैलकुलेटर जिसने बनाया होगा वो कैलकुलेटर बनाने वाला व्यक्ति यहां पे है, और आप और हम जो इसको यूज करते हैं वो यहां पे, इसको मैं यूजर बोल सकता हूं जो इसको यूज करता है, और जो बनाने वाला व्यक्ति उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेवलपर बोल सकते हैं जो उसको बनाता है। इतनी बात समझ में आई। तो हमारा डेवलपर का क्या काम है, हम लोग जो अभी सीख रहे हैं वो क्या करना सीख रहे हैं कि हम जो है कोड को इस कंप्यूटर के अंदर डालेंगे और वो जो कोड है या वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो हमारे यूजर से बात करेंगे, एज सिंपल एज दिस। और इसी पॉइंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं आप लोग को, यू हैव टू ऑल्सो जिसको बोल सकते हैं, इसको याद रखिएगा जीवन भर। आप लोगों ने सुना होगा, कई सारे लोग सुनते भी हैं ऐसा, बहुत, जो कि मुझे लगता है गलत है, आप लोगों में से कई सारे लोग सुनते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग सर हो सकता है डिफिकल्ट होगी, ऐसा किसी के दिमाग में होता है कई बार कि सर डिफिकल्ट तो नहीं है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि कोडिंग जो है, कोडिंग की अगर मैं बात करूं या मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, ये सिर्फ और सिर्फ दो ही काम करती है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, दो ही काम कर पाती है। और ये दो काम कौन से होते हैं, ये दो काम क्या होते हैं, किसी डिवाइस के ऊपर या किसी व्यक्ति को सिग्नल भेजना, पहला काम, भेजने का क्या मतलब होता है, आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना, और किसी व्यक्ति से सिग्नल को लेना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना। ये दो ही काम कर सकती है। अगर लेट से एग्जांपल बता रहा हूं, अगर आप भी अभी चुपचाप हो और मैं भी चुपचाप रहूं मान लो, तो क्या लैंग्वेज का कोई काम रहेगा, नहीं। अभी मुझे आपको कुछ बताना है तो मैं क्या कर रहा हूं, लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं, मतलब मैं कुछ बोल रहा हूं, मतलब मैं आउटपुट कर रहा हूं, और आप क्या कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो।
अगर आप बोलोगे तो आप आउटपुट करोगे और मैं सुनूंगा तो वो मेरा इनपुट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ दो ही काम करती है, क्या काम? इनपुट और आउटपुट। ठीक है, सो हमें ये दो चीज तो सीखना है। अगर मैं बोलूं कि दो चीज सीख सकते हो तो आप बोलोगे यस सर, दो चीज तो आराम से सीख सकते हैं हम लोग। अगर मुझे ये इनपुट और आउटपुट करना आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम लोग जो ये जो एक्चुअल में कंप्यूटर जो है, मैं इसको अगली स्क्रीन के अंदर आपको बताने की कोशिश करता हूं, एक्चुअल में जो कंप्यूटर है ये कंप्यूटर किस भाषा में बात करता है। एक्चुअल में ये जो कंप्यूटर है इसको हम लोग जो इसकी जो बिल्कुल कोर लैंग्वेज है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ये जो है ये कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में बात करता है। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है आप पूछोगे, सर बाइनरी लैंग्वेज तो हमने सुना ही नहीं है। बाइनरी का मतलब होता है जिसकी दो ही स्टेट हो, ऐसी स्टेट, ऐसी चीज जिसकी दो ही स्टेट हो उसको बाइनरी बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर सिर्फ दो ही स्टेट में बात करता है, या तो जीरो या तो वन, जीरो या तो वन। बाइनरी मतलब जीरो मतलब कुछ नहीं और वन मतलब कुछ। इसको हम लोग नो भी बोल सकते हैं, इसको यस बोल सकते हैं, इसको हम लोग फॉल्स बोल सकते हैं, इसको हम लोग ट्रू बोल सकते हैं, ऐसा हम लोग मल्टीपल नाम दे सकते हैं। कंप्यूटर की भाषा में दो ही सिग्नल होते हैं, या तो कुछ नहीं या कुछ। ठीक है, सो इन दो स्टेट के ऊपर बात करता है। तो कंप्यूटर के अगर आप अंदर किसी से पूछने जाओगे, जो शुरुआत में जिन्होंने कंप्यूटर बनाया उन्होंने वो लोग से आप पूछने जाओगे तो कंप्यूटर के अंदर ऐसे 1010 के ढेर सारे ऐसे सिग्नल्स लाइन से इसके अंदर लिखे हुए होते हैं। अब मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि बेटा ये 1010 करके आपको एक पूरा की पूरा कोडिंग करना है, आपको क्या मैं करने के लिए बोलेंगे? तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये इतना हो सकता है डिफिकल्ट होगा हमारे लिए। तो ये कंप्यूटर की एक्चुअल भाषा ये होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है। बट आप और हम जो उसकी भाषा है ये 01 वाली भाषा हमको समझ में भी नहीं आती है और दूसरा डिफिकल्ट भी बहुत है। तो हम क्या यूज करते हैं? हमने तो ये यूज करा कि जो साइंटिस्ट है बड़े बड़े जिन्होंने इस कोडिंग को बनाया, उन्होंने क्या करा, हमें बोला कि आप तो है इंग्लिश, इंग्लिश जनरली सभी लोग को मालूम है, अक्रॉस वर्ल्ड यूज की जाती है। तो उन्होंने बोला कि आप तो क्या करो, इंग्लिश के वर्ड यूज करो। एग्जाम्पल बताता हूं, बहुत कन्वेंशनल एग्जाम्पल है, थोड़ा ध्यान से समझना। राशि ध्यान से समझना बेटा। अगर मैं राशि को बोलूं कि मुझे 0111 ऐसा करके मुझे एक बहुत बड़ा सा वर्ड दे दिया है और बोले कि ये जो 011 है ये इससे आपका एडिशन होता है, एडिशन, तो मैं अगर राशि बोलूंगा, राशि याद रख पाओगे इसको बेटा 01100 को? और ऐसे अगर मैं ऐसे 25 अलग अलग काम आपको दे दूं ये ऐसे 0101 के पैटर्न, तो आप भूल जाओगे। हो सकता है आप याद भी रख लो तो कभी हो सकता है गलती भी हो जाए आपसे। बट अगर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ध्यान रखना, इसको लिख भी सकते हो, अगर मैं उसकी जगह पे आपको बोलूं राशि कि ये 01110 इतना बड़ा जो लिखा हुआ है ना इसको छोड़ दो, आप तो सिर्फ ये याद रखो ADD, क्या याद रखो ADD, या उसकी जगह पे आप तो सिर्फ ये याद रखो प्लस, क्या याद रखो, सिर्फ प्लस याद रखो। तो सिंपल क्या होगा बेटा इन तीनों में, सिंपल क्या होगा राशि? ये प्लस सिंपल होगा और एड भी सिंपल होगा क्योंकि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ बेटा, सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। एवरीबडी एल्स, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है बेटा? सभी लोग को मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? यस सर, क्लियर है। शार्वी, हो सकता है बेटा आपके यहाँ के इंटरनेट में इशू होगा क्योंकि मेरे यहाँ पे जो है वो बाकी सब लोग को प्रॉपर आ रही बेटा आवाज, तो इंटरनेट का शायद आपको चेंज करना पड़ सकता है बेटा। ठीक है, सो मैं आपको बता रहा था कि मुझे एड की, एड और प्लस की जगह पे, अगर ये 01 की जगह पे एड और प्लस याद रखने के लिए किया जाए तो मैं आसानी से याद कर सकता हूं। यही लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं जिसमें हम इंग्लिश के वर्ड्स को यूज करके अपना पूरा की पूरा काम करते हैं। ठीक है, मैंने ले लिया इसके अंदर गौतम जी, गौतम के नाम से आ रहे हैं क्या? हाँ, तो वो मैंने उनको ले रखा है, वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं उसके अंदर। हो गए बोलने से, हो गए क्या? हेलो, हाँ हाँ सर, आई एम इन। ओके, वेरी गुड। ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान से बनना, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है बेटा, ज्यादा कुछ छूटा नहीं है आपका, अभी स्टार्ट ही किया है ना, तो थोड़ा ध्यान से समझना, अपने पेन से पेपर पे थोड़ा जो जो भी मैं लिखवाते जा रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा, है ना? ओके सर, ओके
ओके ओके तो चलो बेटा अपन आगे देखते हैं इसी चीज को। तो मैं कोडिंग के ऊपर बात कर रहा हूं, तो हम जो है हम कोडिंग के माध्यम से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं और वो 0101 की जगह पे हम अपनी इंग्लिश भाषा को यूज करके अपने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को बताते हैं और कंप्यूटर उसके हिसाब से काम करता है, एज सिंपल एज दिस, है ना। तो अभी जो है आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट हाउ टू स्टार्ट द कोडिंग पार्ट, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर इसके अंदर क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है, तो ये जो पूरी फील्ड है जो मैं आप लोग को सभी स्टूडेंट्स को समझाता भी हूं और बताता भी हूं, इस फील्ड को जो है बेटा ध्यान से समझना, इस फील्ड को स्टेम लर्निंग कहा जाता है, स्टेम की फील्ड कहा जाता है। स्टेम की फील्ड का क्या मतलब होता है? स्टेम का मतलब होता है, स्टेम में एस का मतलब होता है साइंस। जब आप ये रोबोटिक्स या कोडिंग की फील्ड में काम करते हो तो आपको साइंस के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, आपको साइंस जो है वो प्रैक्टिकल वे में समझ में आता है। दूसरा टेक्नोलॉजी, टी का फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजी। तो जब आप इस कोडिंग और रोबोटिक्स में इन फील्ड में काम करते हो तो आप टेक्नोलॉजी से भी अवेयर होते हो। थर्ड इसमें इंजीनियरिंग, आपने सुना होगा इंजीनियरिंग आपके घर में बड़े लोग करते हैं, वो इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट भी इसी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जो आप कोडिंग और रोबोटिक्स करते हो। और चौथा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर एम का फुल फॉर्म होता है मैथमेटिक्स। तो इसके अंदर यू विल ऑल्सो लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आजकल ये स्टेम को जो है थोड़ा सा कन्वर्ट करके STEAM स्टीम भी कर दिया, स्टीम। स्टीम के अंदर ए का फुल फॉर्म होता है आर्ट्स, तो आप जो है इसके अंदर आर्ट्स की चीजें भी सीखने लग गए, ठीक है। तो ये जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं उसमें इनडायरेक्टली हमको ये सभी चीजें सीखने को मिलेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं क्या सीखने को मिलेगी, हम बहुत सारे बच्चे से, मैंने बताया जैसे 10,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने डायरेक्टली पढ़ाया, इंजीनियरिंग से लेके आपके स्कूल तक के बच्चों को। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल जो स्टूडेंट्स के अंदर होना चाहिए उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो कि कई बार स्टूडेंट्स के अंदर मिसिंग होती है। क्यों मिसिंग? जैसे, और उसका एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि आपको आपके टीचर्स स्कूल के अंदर कोई टास्क करने के लिए देते हैं कि बेटा ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप क्या करते हो एक बार ट्राई करा और वो भी अच्छे से ट्राई नहीं करा, उसके बाद में आप बोलते हो सर मैडम मेरे से तो नहीं बन रहा है, सर मुझसे तो नहीं बन रहा, आप बता दो। और ये बार बार हमारी एक क्या हो जाती है, फिर एक आदत के रूप में हो जाता है, हमारा एक आदत बन जाती है। बट जब आप रोबोटिक्स में काम करते हो तो वो प्रॉब्लम्स यहां पे भी आपको आती है, मतलब वो प्रॉब्लम्स जो है वो आपके सामने आती है, उनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में डिवाइड करते हो और डिवाइड करने के बाद में आपकी प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन की तरफ जाते हो। और जब ये सॉल्यूशन आपके अंदर आप जब बनाना चालू करते हो तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ये आपकी क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी व्यक्ति के अंदर इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट, इवन हमारे लाइफ में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दिन भर में बहुत सारी सिचुएशंस को फेस करते हैं और उन सिचुएशंस को हम कैसे सॉल्यूशन करें वो हमको सीखना बहुत जरूरी है। तो कोडिंग इनडायरेक्टली हमको वो सभी चीजें जो है वो सिखाता है, ठीक है। सो हमको इसी चीज को आगे बढ़ना है। अब मैं आपको क्या करने वाला हूं ध्यान से समझना, मैं अब आपको जो है प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं कि हम किस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोडिंग करेंगे और उस प्लेटफॉर्म को पूरा मैं ए टू जेड आपको जो है गो थ्रू करवाऊंगा कि कैसे वो प्लेटफॉर्म को खोलना है, उस पर लॉग इन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और प्लेटफॉर्म के अंदर कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं। आज ये पूरी चीजों का एक डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। गॉट माई पॉइंट? इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और कल उसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग जो है फिर कोडिंग करेंगे, ठीक है। सो एक्साइटेड टू सी दी प्लेटफॉर्म। अगर आप उस प्लेटफॉर्म को एक्साइटेड है देखने के लिए तो चैट बॉक्स में लिखिए BIO। क्या लिखो? BIO। BIO को फुल फॉर्म होता है ब्रिंग इट ऑन। लिखो BIO। BIO का मतलब क्या होता है? ब्रिंग इट ऑन। चलो बहुत अच्छी बात है। राशि, यस, रेडमी राघव, शार्वी, ज्योतिरादित्य, यस, वेरी गुड। सो मैं शो करूं आपको प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो आप लोग जो लोग कंप्यूटर साथ में है, जिनके पास में लैपटॉप्स हैं, वो लोग साथ में अभी तो नहीं, मैं जैसा बताते हैं ना उसको पहले ध्यान से देख लो और फिर आप लोग उसको रिपीट भी कर सकते हो, ठीक है। सो मैं अभी अपनी स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए बंद करता हूं, दूसरी स्क्रीन शो करता हूं आप लोग को। तो मुझे क्या करना है यहां पे, देखिए मैं अपनी स्क्रीन शो कर रहा हूं, मुझे जो है अपने इसको शेयर करता हूं। यस,
मेरा देखिए ब्राउजर आपको दिखने लग गया होगा, शायद ब्राउजर दिखने लग गया होगा। इस ब्राउजर के अंदर जो है हम लोग जैसे google.com सर्च करते हैं, ऐसे कोई भी वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, वैसे ही हमें डेवलपमेंट करने के लिए जो हम लोग ये कोडिंग सीखेंगे या कोडिंग करना है, ये शुरुआत में बस सिर्फ कोडिंग वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो कोडिंग को शुरुआत में अभी करने के लिए हम लोग अभी प्लेटफॉर्म जो यूज करेंगे वो एक प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। जब रोबोटिक्स में करेंगे तो एक दूसरा प्लेटफॉर्म हमारे पास में आएगा, वहां पे दो प्लेटफॉर्म इनफैक्ट यूज करेंगे, और एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में ले एक और कोई सा, बट लगभग सबको यूज करने का तरीका लगभग लगभग सेम होने वाला है। मेरी बात समझ में आई? सो ध्यान देना, यहां पे मुझे गूगल पे सर्च करना है। यहां पे लेट से आप पहली बार अगर कर रहे हैं तो मेरी स्टेप्स को आप चाहो तो लिखते जाओ। सबसे पहले आप google.com सर्च करेंगे यहां पे, और google.com पे आपको सर्च करना है स्क्रैच। क्या सर्च करना है? स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या आप सिर्फ स्क्रैच लिखो और स्क्रैच को लिख के आप सर्च बटन को क्लिक करो, आप एंटर बटन को क्लिक करो। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करके स्क्रैच करके लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो देखिए आपको पहली ही एक लिंक मिलेगी। फर्स्ट लिंक दिख रही है आपको यहां पे बेटा? सभी लोग को दिख रही है? अगर दिख रही है तो चैट बॉक्स में यस लिख के भेजिए। अभी तक अगर ये दिख रही है तो चैट बॉक्स में यस लिख के भेजिए सभी लोग, प्लीज। ठीक है, ओके। सो अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट भेज रहे हैं, यस वेरी गुड बेटा, सभी लोग कर पा रहे हैं। हाँ, तो ये चीज देखते जाना आप लोग, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं। गौतम ने, भव्य ने, शार्वी ने, राघव ने, सभी लोगों ने लिख के भेजा इसके अंदर, वेरी गुड। अथर्व राम सिंघानी ने, आई हैव स्क्रैच, यस यस, वेरी गुड बेटा, इफ यू हैव डन सम वर्क, वेरी गुड। आप आगे जाके इसके अंदर और भी डीप लेवल की चीजें कर पाते हो। और दूसरा, सिर्फ स्क्रैच के नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला, हम इस स्क्रैच के नॉलेज को आगे जाके हम जो है रोबोटिक्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसी नॉलेज को हम लोग आगे गेम डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, इसी नॉलेज को ऐप डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, और अगर हम किसी इसके माध्यम से कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तब आपको एक्चुअल में मजा आएगा। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा थोड़ा आता भी है तो थोड़ा ध्यान से समझो बेटा, फिर अपन आगे जो है नई चीजें भी इसके अंदर देखेंगे। मैं आगे वाली क्लासेस के अंदर आई विल अश्योर यू जो एकदम रीसेंट टाइप के अच्छे रोबोट्स हैं उनके वीडियो भी शायद दिखाऊंगा और आपको उन रोबोट्स के बारे में बताऊंगा भी। ठीक है, पर अभी ध्यान से समझो, हमने क्या करा, गूगल पे स्क्रैच खोला। अब यहाँ पे scratch.mit.edu जो है ये प्लेटफॉर्म को आपको खोलना है। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये मैं क्यों यूज कर रहा हूं, मैं चाहूं तो मेरा खुद का प्लेटफॉर्म पे डिजाइन कर सकता हूं, वो पर वो आप लोग 100 200 500 हजार बच्चे यूज करोगे, बट ये स्क्रैच प्लेटफॉर्म जो है ये वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है, और ये जो है वर्ल्ड की नंबर वन यूनिवर्सिटी जिसका नाम है MIT मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी जो है उसने बनाया है। ठीक है, तो उस प्लेटफॉर्म को अगर हम यूज करेंगे तो हम आगे जाके बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी जो मेरे पास में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं साल भर वाले मॉड्यूल के अंदर, वो स्टूडेंट्स अभी दो बड़े कॉम्पिटिशन, अभी नेक्स्ट सितंबर के अंदर दो वर्ल्ड नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज करें जो कॉमन है और सब जगह यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम स्क्रैच पे क्लिक करेंगे। अब देखो स्क्रैच के अंदर आपको शायद ये विंडो दिख रही होगी, इस विंडो के अंदर जो है आपको बहुत सारे इसमें फीचर्स दिखेंगे, आप बाद में कभी आपको समय रहेगा तो आप क्लिक कीजिएगा। यहां पे जब आप जाएंगे तो आपको राइट हैंड साइड में जो है ज्वाइन करके ऑप्शन दिखेगा या साइन इन, मैं साइन आउट करके देखता हूं। देखो मैं साइन आउट करता हूं, देखो यहां पे ज्वाइन स्क्रैच करके एक ऑप्शन दिख रहा है और राइट हैंड साइड में एक और क्या दिख रहा है, साइन इन। अब मैं इसका दोनों का मीनिंग बता देता हूं, मैं इसलिए मीनिंग बता रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को मालूम भी हो बट बिल्कुल स्क्रैच से जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो। तो ज्वाइन स्क्रैच का मतलब यह है कि हम फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए हैं तो हमें ज्वाइन स्क्रैच पे क्लिक करना है। एक बार अगर आप ज्वाइन हो गए तो आपको बार बार फिर किस पे क्लिक करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। तो अभी हम फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर तो आप लोग में से जो लोग साथ साथ में करते जा रहे हैं वो मेरे साथ में एक प्रोसीजर को फॉलो करें। यहां पे क्रिएट यूजर नेम, जो भी आपको एक यूजर नेम बनाना है, लेट से मैं आप लोग की क्लास के लिए एक यूजर नेम बनाता हूं, थ्री डेज वर्कशॉप नाम से एक मैंने यूजर नेम बनाया। ठीक है, और यहां पे मैंने उसका जो भी आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर देता हूं मेरे हिसाब से। आप लोग चाहें तो बेटा इसी स्टेप्स को फॉलो करते जाइए तो आप लोग को जो है सीखने में आएगा। ठीक है, तो मैंने ये एक पासवर्ड इसके अंदर मेंशन कर दिया और पासवर्ड शायद मैच नहीं कर रहा है, मैं एक बार चेक करता हूं वापिस।
ठीक है. सो लेट मी, अब मुझे कंट्री सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है वो, है ना. सो मैं यहां पे क्या करता हूं, कंट्री में इंडिया सिलेक्ट कर देता हूं, इंडिया. यस ओके. और इसके बाद में जो है यहां पे मैं मंथ सिलेक्ट कर देता हूं, डेट ऑफ बॉर्न. तो लेट से कुछ भी एक रैंडम ईयर उठा लेता हूं, यहां पे कहीं सभी कोई सभी एक रैंडम ईयर उठा लेता हूं, लेट से 1987 कुछ भी. अब आप इसके अंदर जो है जेंडर यहां पे हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद में हमने अपना ईमेल आईडी दे दिया. तो ईमेल आईडी के अंदर लेट से मैंने अपना ईमेल आईडी दे दिया, ये मैंने मेरा ईमेल आईडी मेंशन कर दिया इसके अंदर, ठीक है. आप लोग भी आपका या आपके पेरेंट्स का जो भी ईमेल आईडी है उसके हिसाब से इसको क्रिएट कर लीजिएगा. जैसे देखो आ गया वेलकम टू स्क्रैच, 3 days वर्कशॉप मेरे इस यूजर नेम का नाम है, और यू आर नाउ लॉग्ड इन, और मुझे ये बोल रहा है कि नाउ यू कैन स्टार्ट, ठीक है. तो मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड जो है इस पे क्लिक करूंगा. जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा तो देखो राइट हैंड साइड में मेरा नाम यहाँ पे अपियर होना स्टार्ट हो चुका है. 3 days वर्कशॉप जो है ये नाम मेरा यहाँ पे अपियर होना चालू हो चुका है, और अब मैं जो है अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना स्टार्ट कर सकता हूँ. आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये भी है कि अगर आप डायरेक्टली ये सब अगर अभी के लिए आप ये प्रोसीजर नहीं भी करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्रिएट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इस पे क्लिक करके डायरेक्टली प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो लेट मी स्टार्ट. अभी चूंकि अपन ने प्रोसीजर कर लिया है ना, इसका एक मेरे पास में वीडियो भी रहेगा बेटा, तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है. मैं आपको जो है ये वीडियो भी शेयर कर सकता हूं, तो आप उसको बाद में भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं. अगर किसी के पास में अभी इस समय कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो चिंता की जरूरत नहीं है. आप आराम से जब घर पे थोड़ी देर के लिए बैठोगे तो इस प्रोसीजर को धीरे धीरे फॉलो कर लेना, और उसके बाद में अपन जो है इसका क्रिएशन प्रोसेस कर सकते हैं. और अगर नहीं भी करना है तो डायरेक्टली आप यहां पे आओ इस वेबसाइट पे और क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो डायरेक्टली, ठीक है. जैसे ही मैं यहां पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है. क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ आ रहा है, देखिए क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है. और क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स के साथ में आपके सामने एक ये नई विंडो अपीयर हो चुकी है. ये विंडो जो है इस विंडो के अंदर ही हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स को या अपने कोड को डेवलप करेंगे, ठीक है. सभी लोग को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है सो इतना यहां तक अगर समझ में आया है जो भी मैंने आपको बताया है, इतनी प्रोसेस समझ में आई है तो लिखिए प्रोसेस क्लियर. आप चैटबॉक्स में लिख के भेजिए प्रोसेस क्लियर, चैटबॉक्स में लिख के सभी लोग भेजिए. और अगर किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो भी चैटबॉक्स में मुझे लिख के भेजिए, तो मैं उस क्वेश्चन को एंडिंग पार्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है. वेरी गुड, सभी लोग लिख के भेज रहे हैं मुझे. गौतम ने लिख के भेजा है, भव्य ने भेजा है, शार्वी ने, शानिया ने, ओके वेरी गुड. सो एवरीबडी प्रोसेस क्लियर, गुड. राशि ने, राघव शास्त्री ने, प्रोसेस क्लियर, गुड. सो यहां तक की जो है हमारा ये स्क्रीन सामने आ चुकी है. अब इसी स्क्रीन के अंदर हम अपने लॉजिक को डेवलप करना स्टार्ट करेंगे. तो द बिग क्वेश्चन इज सर कैसे करेंगे कोडिंग, हाउ वी विल स्टार्ट द कोडिंग पार्ट, है ना. तो वो करने के पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद दिस प्लेटफॉर्म. अगर ये प्लेटफॉर्म से आप क्लियर हो जाओगे तो फिर हम लोग जो है एक्चुअल में कोड बनाना स्टार्ट करेंगे. एक छोटा सा कोड मेरे वैसे शेड्यूल में नहीं था, बट आप लोग को देख के आप लोग बहुत जल्दी जल्दी सभी चीजें सीख रहे हो. सभी लोगों ने, अर्श ने भी लिख के भेजा है, मेहुल ने लिख के भेजा है, निकिता जी के वहां से जो लोग बैठे हैं उन लोगों ने भी लिख के भेजा है, सभी लोगों ने लिख के भेजा है. तो आप लोग जितनी जल्दी स्टडी कर रहे हो, मैं आपको पहला प्रोग्राम आज कमिट करता हूं कि आज पहला प्रोग्राम आपको बना के दिखाऊंगा. एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड लिख के भेजो चैटबॉक्स में, लिख के भेजो. अगर आज ही पहला प्रोग्राम देखना चाहते हो तो सुपर एक्साइटेड लिख के भेजो चैटबॉक्स के अंदर. यस सर, सुपर एक्साइटेड, वेरी गुड. भव्य, वेरी गुड, सुपर एक्साइटेड, गुड. लिखने में भी थोड़ा समय लगता है. भव्य ने लिख के भेजा है, राघव शास्त्री ने लिख के भेजा है, वेरी गुड. चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं, इसी प्लेटफॉर्म को हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं. अब ये प्लेटफॉर्म के अंदर मैं कोडिंग कैसे करूंगा वो देखते हैं. राशि समझ में आ रहा है बेटा सभी चीज? शानिया समझ में आ रहा है? शार्वी बेटा समझ में आ रहा है सभी चीजें? आपका इंटरनेट फिक्स हो गया शार्वी? मेहुल अर्श बेटा समझ में आ रहा है सभी चीजें? अर्श
ओके गुड 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 विशु समझ में आया बेटा आपका? बेटा कोई भी क्वेश्चन हो ना विशु तो आपके चैट बॉक्स में बेटा लिख के भेजो तो मुझे समझ में आएगा। गुड, चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हम प्रोग्रामिंग करने वाले, लेट मी एक्सप्लेन दिस, वेरी गुड। सो मैं यहाँ पे इस प्रोग्रामिंग को एक्सप्लेन करता हूं। हम जो यहाँ प्रोग्रामिंग करने वाले हैं वो प्रोग्रामिंग है ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग। ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग, आप लोगों ने, कितने लोगों ने घर में जब छोटे थे या अभी भी, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने वो प्लास्टिक के ब्लॉक्स बनाने वाला गेम खेला है? घर में हमारे पास में वो प्लास्टिक के जो ब्लॉक्स वाले गेम्स आते हैं ना, वो कितने लोगों ने वो प्लास्टिक के ब्लॉक को जोड़ जोड़ के बड़े बड़े घर बनाए हैं या अलग अलग टाइप के फिगर्स जनरेट करे, कितने लोगों ने खेला है? भव्य ने खेला है, यस। भव्य ने लिख के बताया, गौतम ने खेला है, यस। शानिया ने खेला है, यस। मेहुल ने खेला है, यस, वेरी गुड। राघव ने खेला है, ओके। सो राघव एंड एवरीबॉडी, सभी लोगों ने शायद लेगो के प्रोजेक्ट्स भी आपने देखा होगा, यस। अथर्व ने भी साथ में लिख के भेजा है लेगो के प्रोजेक्ट्स उसने, यस। तो आप लोग बेटा जो आपने ब्लॉक्स वाले गेम जोड़ जोड़ के बनाए थे ना, वही सेम तरीका, वो सिंपल था कि नहीं? जो आपने ब्लॉक जोड़ जोड़ के अपने गेम्स बनाए हैं वो सिंपल था कि नहीं था, वो मुझे लिख के भेजो कि यस सर इट वॉज वेरी सिंपल। अगर वो सिंपल था तो हमारी कोडिंग भी उतनी ही सिंपल है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो ब्लॉक्स वाली प्रोग्रामिंग जो आपने सिंपली यूज करी थी, देखो भव्य गौतम सभी लोग लिख के भेज रहे हैं इट वॉज वेरी सिंपल, उसी टाइप की सिंपल प्रोग्रामिंग हमको यहां पे करना है। थोड़ा सा यहां पे दिमाग ज्यादा लगेगा, वहां पे तो क्या है उठा के फटाफट जोड़ा और फटाफट डिसमेंटल कर दिया, यहां पे चूंकि थोड़ा सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है, कंप्यूटर थोड़ा सा इन्वॉल्व है, तो हमको वहां की एक कॉम्प्लेक्सिटी समझना है। दूसरा कोई भी लॉजिक हम कैसे बनाएंगे वो हमको देखना है। बेटा ये लिख कौन रहा है इसके अंदर, एनोटेशन कौन कर रहा है? बेटा एनोटेशन गलती से किसी से हो रहा हो तो मत कीजिए बेटा। किसने लिखा था ये? ओके सो अपन देखते हैं आगे कैसे हम लोग जो है इसका पूरा वो करेंगे। यस सभी लोग लिख के भेज रहे हैं, मेहुल ने लिख के भेजा है इट वॉज वेरी सिंपल, वेरी गुड। सो बेटा हम लोग जो है ब्लॉक प्रोग्रामिंग को ही सीखने वाले हैं। यहाँ पे देखो ब्लॉक प्रोग्रामिंग कैसे होगी, यहाँ पे हमारे पास में देखो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं। मैं इन ऑप्शंस का मैं आपको बताता हूं, इसको हम लोग जो है प्रोग्रामिंग की भाषा में ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग पैलेट भी बोलते हैं। दिस इज अ पैलेट, दिस इज जस्ट लाइक अ मेनू। अपन जैसे किसी होटल में जाते हैं तो सबसे पहले चीज क्या देखते हैं बेटा? मेनू देखते हैं, उन मेनू के हिसाब से अपन चीजों को ऑर्डर करते हैं, है ना? वैसे ही ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, दिस इज नोन एज द मेनू और द पैलेट पार्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहां पे ही हमारे जितने भी मेनूज जो मेन लॉजिक्स हैं वो हमको यहां पे मिलेंगे, ठीक है? अर्श थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, सभी चीजें ध्यान से समझना, एक एक चीजें बताते जा रहा हूं उसको करना, और फिर उसके अंदर कोई भी डाउट्स हो तो मुझसे बाद में पूछना, है ना बेटा अर्श? ठीक है तो अपन आगे देखते हैं। तो यहां पे देखो ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं इन्हीं ऑप्शंस को मुझे एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले देखो मैं अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, यहां पे मोशन करके ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखो ये मोशन, तो जैसे मोशन पे अगर आप क्लिक कर रहे हो तो आपको ढेर सारे ब्लॉक्स दिख रहे हैं। देखो ये राइट हैंड साइड में जितने ब्लॉक्स है ना ये मोशन के करस्पॉन्डिंग है। जैसे मैं लुक्स पे क्लिक करता हूं तो देखो ये इतने सारे ब्लॉक्स आ गए आपके पास में। अब इन ब्लॉक्स को मुझे जोड़ना सीखना है। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ब्लॉक उठाया कुछ भी एक दूसरे से जोड़ दिया और आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हमको और वही हमको सीखना है। ब्लॉक्स हमारे पास में अवेलेबल है ढेर सारे, बट कौन सा ब्लॉक किस समय कैसे लगाना है ये दिमाग तो आप सभी लोगों को लगाना पड़ेगा और वही मेरा काम है आपको सिखाने का, ठीक है? तो पर फिर भी मैं आपको बताता हूं, यहां पे देखो साउंड क्रिएट करना है तो आपके पास में एक ब्लॉक है, फिर इवेंट्स क्रिएट करना है तो उसके ऊपर एक अच्छा सा ब्लॉक है, कंट्रोल्स के ऊपर आपको आपके कोई भी प्रोग्राम बनाना है उसके अंदर कुछ कंट्रोलिंग करवाना है तो उसके ऊपर आपके पास में ब्लॉक्स हैं, सेंसिंग करवाना है तो उसके ब्लॉक, ऐसे अलग अलग टाइप के आपके पास में अलग अलग ब्लॉक्स हैं। आपके पास में थोड़ा सा समय, जब ये क्लास खत्म हो जाए तो इस क्लास के बाद में आप थोड़ा सा इसको समय मिलेगा तो इसको ध्यान से थोड़ा समझना, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूं। अब इसके अंदर देखो एक चीज, आपको जो ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये ब्लॉक्स को हमको जोड़ना है, इन सभी ब्लॉक्स को जोड़ के हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो है हमारे इस पूरे सॉफ्टवेयर का वो ये वाला सेक्शन है। इसको मैं राइट करके दिखाता हूं। ये वाला सेक्शन जो है ये हमारा दूसरा सेक्शन है। ये दिस वॉज द फर्स्ट सेक्शन, ये वाला पूरा पार्ट जो था ये फर्स्ट सेक्शन था।
ये वाला पूरा पार्ट जो है वो सेकेंड सेक्शन है और तीसरा सेक्शन जो है वो ये वाला है। तो अभी फर्स्ट सेक्शन तो थोड़ा समझ में आया कि वहां पे हमको सभी ब्लॉक्स मिलेंगे। दूसरा वाला जो पार्ट है ये वो जगह है जहां पे मैं सभी ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ में जोड़ूंगा और ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के मेरा जो प्रोग्राम है या कोड है, कोड या जिसको हम लोग प्रोग्राम कह सकते हैं, वो प्रोग्राम में यहां बनाऊंगा। मेरी बात समझ में आई बेटा? ये वो सेक्शन है जहां पे आई विल डू दी कोडिंग, मैं एक्चुअल कोडिंग वाला काम जो है वो यहां पे करूंगा, इन ब्लॉक्स को लाला के जोड़ने का काम मैं यहां पे करूंगा। आगे मेरी बात समझ में? शानिया मेरी बात समझ में आ रही बेटा? शानिया ओके, राशि समझ में आया? भव्य मेरी बात समझ में आई बेटा? भव्य ओके, वेरी गुड। तो ये सेकेंड सेक्शन आ गया। थर्ड सेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान समझना। राघव, विशु, अर्श, सभी लोग ध्यान समझना बेटा। ये थर्ड सेक्शन जो है ये सेक्शन वो सेक्शन है जो कि मैं यहां पे जो कोड बना रहा हूं, यहां पे जो भी कोड बनाऊंगा या यहां पे जो भी लॉजिक लिखूंगा, उस लॉजिक का आउटपुट, उस लॉजिक का आउटपुट जो है वो लॉजिक कैसे काम कर रहा है वो मुझे यहां पर दिखेगा थर्ड वाले सेक्शन में। आई बात समझ में? लेट मी रिपीट, जो पहली बार कर रहे हैं और जो सभी लोग लगभग पहली बार ही कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए रिपीट करता हूं। फर्स्ट सेक्शन क्या था हमारा? पहला सेक्शन वो था जहां पे सभी ब्लॉक्स हमारे पास में थे। इसको मैं बोल सकता हूं हमारे जितने भी हथियार हैं, जो हमारे वेपन्स हैं, वो कहां पे हैं? सेक्शन नंबर वन में। सेक्शन नंबर टू क्या है? उन हथियार को मैं लेके आऊंगा और जहां पे उसको यूज करूंगा, वॉरफेयर जो है वो कहां पे है? सेक्शन नंबर टू, जहां पे मैं इसको जोड़ूंगा, ठीक है। और थर्ड जो ब्लॉक है यहां पे हमारा, वो सेक्शन है जहां पे हम जो भी उन वेपन्स को यूज करेंगे उसका आउटपुट, वो कैसे चल रहे हैं उसका आउटपुट जो है वो मुझे सेक्शन नंबर में थ्री में मिलेगा। अगर ये तीनों सेक्शन मैंने जो बताए हैं अगर सभी को एक्चुअली में सबको क्लियर हो तो लिख के भेजिए ऑल सेक्शन क्लियर, ऑल सेक्शन क्लियर। अदरवाइज आप जो सेक्शन नहीं समझ में आया उस सेक्शन का नंबर मुझे बताइए, मैं वापस रिपीट करूंगा आपके लिए। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं 3 बार 4 बार 10 बार रिपीट कर सकता हूं, बट सभी स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए। अगर सबको समझ में आया है तो लिखिए ऑल सेक्शन क्लियर। मेहुल ने लिख के भेजा, राशि ने भेजा है, राघव ने भेजा है, गौतम ने भेजा है, वेरी गुड। सभी लोग को समझ में आया, आई एम वेरी ग्लैड बेटा, आप लोग जैसे स्टूडेंट्स जो है एक बार में सभी को समझ में आ रहा है। शार्वी ने लिखा है वन नॉट क्लियर, वेरी गुड बेटा शार्वी, वेरी गुड, आपने लिख के भेजा, ये अच्छी बात है कि मैं आपको वापस क्लियर करता हूं। देखो वन फर्स्ट वाला सेक्शन क्या करता है, लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम फॉर शार्वी। तो शार्वी देखो ये फर्स्ट सेक्शन जो है यहां पे हमारे पास में मल्टीपल ब्लॉक्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना एग्जांपल, हमने ब्लॉक्स वाला गेम खेला है, हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक्स रहते हैं, है ना, वो टुकड़ों में रहते हैं और फिर हम उनको क्या करते हैं, जोड़ना चालू करते हैं और जोड़ जोड़ के एक के ऊपर एक जोड़ जोड़ के फिर हम हमारा एक कोई भी एक पिक्चर या एक जो भी चीज बनाना होती है वो हम लोग बनाते हैं। तो वो जो इंडिविजुअल ब्लॉक्स हैं वो यहां पे रखे हुए हैं, हम इनको जोड़ जोड़ के जितने भी ब्लॉक्स दिख रहे हैं इन सबको जोड़ जोड़ का जोड़ जोड़ कर कहां पे जोड़ेंगे, सेक्शन नंबर टू में जोड़ेंगे और यहां पे हमारा लॉजिक क्रिएट होगा। अभी मैं चला के बताऊंगा आपको, अभी आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी कि सर क्या बोल रहे हैं। बट अभी जो मैंने लॉजिक सेक्शन नंबर वन बताया शार्वी, आपको समझ में आया बेटा? शार्वी मैंने अभी जो वापिस रिपीट करा उससे समझ में आया है क्या? अगर आया है तो यस सर लिख के भेजो, शार्वी आपके लिए स्पेसिफिक, अगर समझ में, यस सर, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, जबरदस्ती कोई भी लिख के मत भेजना क्योंकि हम लोग लर्निंग करने के लिए बैठे हैं, मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा आपको, बट इसलिए अगर समझ में आया तो सभी लोग यस लिखना, नहीं आया तो मैं वापस रिपीट कर सकता हूं। तो चलो लेट मी क्लियर दिस ड्रॉइंग, मैं इस ड्रॉइंग को क्लियर करता हूं और मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं अगर आप लोग इतनी जल्दी जल्दी फास्ट सीख रहे हैं तो मैं आपको जो है पहला प्रोग्राम भी बना के दिखाऊंगा। तो लेट मी स्टार्ट डेवलपिंग द फर्स्ट प्रोग्राम, लेट मी स्टार्ट डेवलपिंग द फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो उसको कैसे हम लोग डेवलप करते देखते हैं। तो देखो मेरे पास में जो मैं लॉजिक बनाता हूं उस लॉजिक को
इंप्लीमेंटेशन जो है वो कहीं ना कहीं, मैंने बताया था ये आउटपुट स्क्रीन पे हो पाता है, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आउटपुट स्क्रीन पे हो पाता है और उसका आउटपुट जो है वो किसी ना किसी एक कैरेक्टर के ऊपर दिखता है, कोई ना कोई एक कैरेक्टर जो है उस कैरेक्टर के ऊपर दिखता है। और अभी हमारे पास में एक कैरेक्टर दिख रहा है जिसका नाम क्या है, कैट। ये कैरेक्टर है हमारे पास में, इस कैरेक्टर के ऊपर जो भी हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये जो लॉजिक परफॉर्म करेंगे ये किसके ऊपर परफॉर्म होते हुए दिखेगा हमको, इस कैट के ऊपर परफॉर्म होते हुए दिखेगा। मेरी बात समझ में आई सभी लोगों को? तो हम अभी एक लॉजिक बनाते हैं जिससे ये कैट जो है इसको मूव करके दिखाऊंगा मैं, अभी इसी समय मैं आपको जो है इस कैट को मूव करवा के दिखाऊंगा, ठीक है। कैसे मूव करेंगे पहले वो देखते हैं। बट इस टाइप के अलग अलग कैरेक्टर जो है वो हमारे पास में होते हैं, और वो कैरेक्टर्स में कहां से लेके आ सकता हूं बेटा, मैं आपको बताता हूं। देखो वो कैरेक्टर्स में यहां से लेके आ सकता हूं, और एक और चीज बता रहा हूं, इन कैरेक्टर्स को, इस कैरेक्टर को प्रोग्रामिंग की भाषा में, प्रोग्रामिंग की भाषा में स्पिरिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पिरिट भी कहा। शार्वी समझ में आ रहा बेटा? शार्वी समझ में आया बेटा? ठीक है। तो इस कैरेक्टर को प्रोग्रामिंग की भाषा में स्पिरिट भी कहा जाता है। मतलब आप कैरेक्टर बोलो या स्पिरिट बोल दो, दोनों ही बात एक ही है। आई बात समझ में मेरी? ठीक है। तो मेरे पास में अलग अलग टाइप की स्पिरिट्स मेरे पास में हो सकती है। देखो मैं उन स्पिरिट्स को मुझे लेके आना है, तो ध्यान देना ये राइट हैंड साइड में आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप माउस लेके जाओगे तो एक ऑप्शन दिखेगा चूज अ स्पिरिट, एक नाम दिख रहा होगा आपको चूज अ स्पिरिट दिख रहा है आपको, इस पे आप क्लिक करोगे, चूज अ स्पिरिट पे आप क्लिक करोगे तो देखो आपके पास में ढेर सारी स्पिरिट सामने आ जाएगी। दिख रही है आपको स्पिरिट सामने? दिख रही बेटा सभी लोगों को? दिख रही है स्पिरिट्स? देखो इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की स्पिरिट्स हैं। ये बियर है, फिर उसके अंदर टिक बॉक्स है, डांसिंग है, कोई स्पिरिट से डांस करवाना है, कैट, ये वॉकिंग कैट है, ये फ्लाइंग कैट है आपके पास में, ऐसे बहुत सारे। अगर किसी ने डांस, जब पीपल पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ये जो है ये डांसिंग वाला है, ये अगर किसी से आपसे बातचीत करवाने वाला चाहिए, अगर कोई व्यक्ति चलने वाला व्यक्ति आपको चाहिए तो आप ये वॉकिंग वाली स्पिरिट ला सकते हो। ऐसी ढेर सारी स्पिरिट्स हमारे पास में हैं। आगे आने वाले समय में अभी 2-3 दिन के अंदर तो बहुत सारे टाइप के प्रोजेक्ट्स और बनाना 3 दिन के अंदर यू विल ऑल्सो नो कि वो डिफिकल्ट है, बट जब हम आगे जाके जब इस पे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो इन सभी टाइप की स्पिरिट्स को यूज कर करके हम प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे मैं आज का एग्जांपल दूं, आपकी क्लास के जस्ट पहले हमने जो है एक पूरा पिंग पोंग का गेम कंप्लीट करके बनाया। पिंग पोंग गेम खेला हुआ आप लोगों ने जिसमें वो बॉल जो है वो मूव करती है, पूरा गेम हम लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ में मिलके पूरा कंप्लीट करा। इसकी पहले वाली क्लास में हमने एक स्मॉल मारियो, कितने लोगों ने खेला मारियो गेम? हमने तो खेला है, मेरे समय में शायद अभी आप लोग के पास में है कि नहीं है, बट मारियो गेम के बारे में अगर आपने सुना हो तो लिख के भेजिए चैट बॉक्स में, मारियो सर वी नो मारियो, मारियो लिख के भेजिए। तो मारियो गेम जो आपने देखा होगा उस टाइप का एक छोटा सा गेम हम लोगों ने बनाने की कोशिश करी थी। यस आई हैव प्लेड मारियो, राघव, गौतम, यस एवरीबॉडी नो मारियो, गुड। तो उस टाइप का गेम, तो अभी जो है मैं उसका शुरुआत बताता हूं आपको। तो ये आपको जितनी भी स्पिरिट्स है, मैं कहां से बता रहा था बेटा, तो स्पिरिट्स है वो कहां से मिलेगी, ये सब यहां से मिलेगी आपको, जितनी भी स्पिरिट्स है अलग अलग टाइप की। अब ध्यान देना, इस मेरे पास में अभी कौन सी स्पिरिट है? अभी मेरे पास में है कैट वाली स्पिरिट। किस कौन सी स्पिरिट है मेरे पास में? कैट वाली स्पिरिट। अब मैं चाहता हूं कि इस स्पिरिट को मैं मूव करवाऊं। क्या करवाऊं? मूव करवाऊं। तो कैसे करवाऊंगा मूव, कैसे मूव करवाऊंगा? तो देखो मेरे पास में यहां पे इस कैट को मूव करवाने के लिए यहां पे अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, जिसमें पहला ही नाम मुझे क्या दिख रहा है, मोशन। मतलब इस नाम से ही मुझे समझ में आ रहा है कि ये कुछ ना कुछ मूवमेंट करवाने में हेल्प करवाएगा मुझे। तो मैं क्या कराऊंगा, इस मोशन पे क्लिक करूंगा और इस मोशन में मेरे पास में देखो क्या ऑप्शन, पहला वाला ब्लॉक क्या दिख रहा है आपके पास में, पहला वाला ब्लॉक मूव 10 स्टेप्स दिख रहा है, मूव 10 स्टेप्स। तो मैं क्या करूंगा, देखो इस मूव 10 स्टेप्स को यहां पर लेके आ जाऊंगा। क्या दिख रहा है? मूव 10 स्टेप्स को मैं यहां पर लेके आ जाऊंगा। अब देखो चला के दिखाता हूं मैं, अगर इस मूव 10 स्टेप्स में मैं क्लिक करता हूं, इस मूव 10 स्टेप्स में मैं क्लिक करूंगा, देखो जैसे आप देखो ये आपको यहां पे कैट मूव होते हुए दिखेगी 10 स्टेप्स राइट में, राइट तरफ मूव होते हुए दिखेगी, देखना
क्लिक करा, जैसे जैसे क्लिक करते आ रहा हूं वो बढ़ते आ रहा है। अब एक काम करता हूं आपको चला के दिखाने के लिए, मैं इसको 10 स्टेप्स की जगह 50 स्टेप्स कर देता हूं, मूव 50 स्टेप्स, तो देखो कैसे होगा। क्लिक करा, जल्दी जल्दी होती आ रही, मेरी बात समझ में बेटा। मूव 50 स्टेप्स मैंने जब करा तो वो राइट हैंड साइड में 50 स्टेप्स जो है राइट में चलती जा रही है, ठीक है। अब ये कब हो पा रहा है, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, इस वाले ब्लॉक के ऊपर जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो मुझे उसका आउटपुट यहां पे दिख रहा है। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको ऐसा करूं कि अपने आप बार बार चलता रहे, अपने आप चलता रहे बार बार, तो मैं क्या चाहता हूं कि ये जो मूव 50 स्टेप्स है ये बार बार रिपीट हो। क्या चाहता हूं मैं इसको कि मूव 50 स्टेप्स अपने आप बार बार रिपीट हो। तो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं, जिसको लिखना है वो लिख भी सकता है। अगर रिपीट करवाना है तो मेरे पास में एक ऑप्शन है यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में, कंट्रोल नाम से, देखो कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल पे क्लिक करोगे, किस पे क्लिक करोगे, कंट्रोल पे क्लिक करोगे, तो यहां पे आपके पास में क्या दिखा, रिपीट 10 टाइम्स दिखा रहा है आपको। क्या दिखा, रिपीट 10, मतलब आप इसको रिपीट कर सकते हो 10 टाइम्स। और देखो पहला प्रोग्राम जिसके अंदर ब्लॉक्स को जोड़ना सिखा रहा हूं मैं, तो देखो क्या होगा, रिपीट 10 टाइम्स और इस रिपीट के अंदर मैंने मूव 50 स्टेप्स कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, इस लॉजिक का क्या मतलब हुआ, 50 स्टेप्स को रिपीट करो कितनी बार, 50 स्टेप्स को रिपीट करो 10 टाइम्स। निकिता जी के यहां से जो बैठे हैं बच्चे लोग, आपको समझ में आया बेटा, दोनों को समझ में आ रहा है, दोनों को तो नहीं, फर्स्ट वाले को तो शायद कम आएगा, बट आपको समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है। तो इस लॉजिक का क्या मतलब हुआ, ये जो लॉजिक मैंने लिखा है इसका क्या मतलब हुआ कि 10 टाइम्स रिपीट करो किसको, 50 स्टेप्स को, 50 स्टेप्स को 10 टाइम्स रिपीट करो। देखो मैं अब क्लिक करके बताता हूं आपको, अब मुझे बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा, मैं सिर्फ एक बार क्लिक करूंगा और वो आगे बढ़ जाएगा, इतना फास्ट चलेगा वो कि आपको दिख ही नहीं रहा, देखो वो इतना फास्ट चलेगा राइट हैंड साइड में कि वो बार बार रिपीट हुआ वो अंदर तक चलेगा। जैसे अब देखो वापिस क्लिक करूंगा मैं यहां पर, फिर क्लिक कर रहा हूं, देखो मैं, देखो एकदम राइट में चले जाएगा, देखो राइट में जा रहा है, ये गया राइट में एकदम। अब आप बोलोगे सर ये बहुत तेज जा रहा राइट में, आप पूछोगे सर ये बहुत फास्ट जा रहा है राइट में, मैं इसको धीरे धीरे पहुंचाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, देखो मेरे पास में एक बहुत सिंपल सा ब्लॉक अवेलेबल है, एक बहुत अच्छा ब्लॉक अवेलेबल है जिसका नाम है वेट। क्या अवेलेबल है मेरे पास में ब्लॉक, वेट, और मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, वेट 1 सेकेंड। तो क्या होगा, हर बार जब वो 50 स्टेप चलेगा तो 1 सेकेंड में रुकेगा, एक बार 50 1 सेकेंड, फिर दूसरी बार 50 1 सेकेंड, फिर तीसरी बार 50 1 सेकेंड, वेट करते जा रहा है, और ऐसा कितनी बार जाएगा, 10 टाइम जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा, एक दूसरे को जोड़ने का लॉजिक समझ में आ रहा है। शानिया बेटा समझ में आ रहा है आपको, शानिया एवरीथिंग इज क्लियर, बिल्कुल सभी चीज समझ में आ रही है, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो बताना। भव्य नहीं समझ में आया, ओके मैं रिपीट करता हूं, ध्यान देना, थोड़ा ध्यान समझना बेटा। मुझे ये जो मैंने ब्लॉक बनाया है, ये 3 ब्लॉक अलग अलग है, मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं, लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम फॉर भव्य। भव्य ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्या करा है, ये मूव वाला जो ब्लॉक ये क्या करता है, मेरे जो ये कैट है इसको मूव करवाने में हेल्प करता है। अब ये जो ब्लॉक है ये क्या कर रहा है, 50 स्टेप्स इसको मूव करवाएगा। जैसे एक बार मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो वो उसको, जैसे मैं सिर्फ इंडिविजुअली इसको चलाना है तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पर क्लिक जितनी बार करते जा रहा हूं तो वो राइट में चलते आ रहा है। बट अभी इसमें परेशानी क्या है मेरे पास में, आप बताओ भव्य, इसमें परेशानी क्या होगी, इसमें परेशानी है कि मुझे बार बार उस क्लिक करना पड़ रहा है, अपने माउस से बार बार उस पर क्लिक करना पड़ रहा है। इस परेशानी को मुझे हटाना है और मुझे आखिरी तक अगर उस पर पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस काम को मैं अपने आप करवाना चाहता हूं, मतलब मैं क्लिक ना करूं वो अपने आप रिपीट हो, ठीक है। तो रिपीट होने के लिए मेरे पास में कंट्रोल के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल है, सॉरी रिपीट वाला ऑप्शन अवेलेबल, दिख रहा है आपको रिपीट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें मैंने क्या करा, रिपीट वाला ऑप्शन डाल दिया और इस रिपीट के अंदर मैंने मूव को लगा दिया।
मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे 10 टाइम्स रिपीट करना है किसको, 50 स्टेप्स को। आई बात समझ में? ये इसके अंदर जुड़ने का मतलब ये हो गया कि ये इसके अंदर आ गया और ये जुड़ गया, ब्लॉक्स आपस में जुड़ गए। इस जुड़ने का ये मतलब हुआ कि ये 50 स्टेप्स 10 बार चलाएगा। क्लियर? अब जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो अभी एक और परेशानी आपको दिखेगी। ये परेशानी ये वाली है कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये जो आपकी माउस, ये जो कैट है ना, ये बहुत फास्ट स्पीड से राइट तरफ जा रही है। देखो मैं क्लिक करके बताता हूं, जैसे मैंने क्लिक करा देखो कितनी फास्ट स्पीड से चली गई। अब ये फास्ट स्पीड से गई तो मुझे इसको धीरे धीरे पहुंचाना है, ये परेशानी आ गई मेरे सामने। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास में एक ब्लॉक अवेलेबल है जिसका नाम देखो यही पे दिख रहा है, आपका नाम क्या है, वेट, वेट नाम से दिख रहा है। मैंने क्या करा, इस वेट वाले ब्लॉक को इसके अंदर ही जोड़ दिया। मतलब हर बार जब वो 50 स्टेप्स चलेगा तो एक सेकंड के रुकेगा, 50 स्टेप एक सेकंड, 50 स्टेप्स एक सेकंड, 50 स्टेप्स एक सेकंड। आई मेरी बात समझ, मेहुल बात समझ में आ रही बेटा, मेहुल अच्छे समझ में आ रही बात, ओके भव्य समझ में आ रही मेरी बात। दो मिनट रुक जाओ, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, अनम्यूट कर रहा हूं आपको, आपको अनम्यूट कर रहा हूं। पहली बार फिर उसके बाद में मूव, मतलब हर बार जब रिपीट करना है तो मुझे 50 स्टेप्स मूव करवाना है और हर बार मूव करवाने के बाद में एक सेकेंड रोकना है। तो ये मेरा अपने आप सीक्वेंस बन गया। आगे आने वाले समय में जब प्रोग्राम देखेंगे तो वहां के सीक्वेंस हमको अपने आप समझ में आएंगे कि पहले ये करना है। जैसे एग्जांपल बताता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझे भव्य ने। मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें वो आपके पास में बॉल, वो एक गेम होता है ना जिसमें वो नीचे एक बार घूमता है, उस पर बॉल टकरा के आके वापिस जाती है, आपने देखा होगा बॉल, वो बॉल टकराती है फिर वापिस जाती है, फिर बॉल टकराती वापिस जाती है। और अगर वो बार पे नहीं टकराई, अगर नीचे टकरा जाती तो क्या हो जाता है, गेम ओवर हो जाता है। उस समय गेम ओवर हो जाता है मेरे पास में। तो मुझे क्या करना है, उसका सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस की बात करी भव्य ने तो मैं बताता हूं कि उसका सीक्वेंस होगा कि अगर बॉल बार पे टकराए तो वापिस उसको बाउंस कर दो, फिर टकराए फिर वापिस बाउंस कर दो। और जैसे ही अगर वो बॉल टकराए नहीं, मतलब नीचे चले आए, तो क्या कर दो, एक स्क्रीन पे ऑप्शन दिखा दो गेम ओवर, क्या दिखा दो ऑप्शन, गेम ओवर। तो ये क्या हो गया, हमारा सीक्वेंस हो गया, ये हमारा सीक्वेंस हो गया बेटा भव्य, समझ में आई मेरी बात। इस टाइप से हमको सीक्वेंस के ऊपर काम करना है। अब देखो जब मैंने इस पर वेट लगाया तो मैं इसको क्लिक करके बता रहा हूं, अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मेरे हाथ आपके सामने है, वो अपने आप चल रहा है। देखो 10 टाइम्स मैंने एक बार क्लिक करा, रिपीट हो रहा है, 10 टाइम्स रिपीट हो गया, वो 10 टाइम्स रिपीट हो गया, वहां पर रुक गया। वापिस मैं अगर इसको लेके आऊं यहां पर, तो इसको वापिस लेके आऊं अगर मैं यहां पर, तो देखो यहां पे रखा मैंने, फिर इस पर क्लिक करा मैंने, हाथ ऊपर कर दिए, अब देखो वो बार बार 10 टाइम्स रिपीट होते आ रहा है। अर्नव मेरी बात समझ में आ रही बेटा आपको, अर्नव, मेहुल बेटा समझ में आ रही मेरी बात, मेहुल एवरीथिंग इज क्लियर, ऐसा थम्सअप बताओ, वेरी गुड। अर्श बेटा, अर्श समझ में आई मेरी बात, अर्श थम्सअप बताओ, थम्सअप। भव्य मेरी बात समझ में आई बेटा आपको, गुड। शार्वी एवरीथिंग इज क्लियर, शार्वी समझ में आई मेरी बात, शार्वी को शायद समझ में नहीं, मतलब आवाज नहीं आ रही उसकी। ज्योतिरादित्य बेटा आपका एक थम्सअप लिख के भेजो, थम्सअप ज्योतिरादित्य, थम्सअप लिख के भेजो, ऑल क्लियर। राघव ने भेजा है, यस वेरी गुड बेटा। मेहुल ने, मेहुल जोशी ने एक, मेहुल अभी भी क्वेश्चन पूछना है क्या आपको कुछ, मेहुल तो आपको अनम्यूट करता हूं मैं, ओके। अर्नव ने ऑल क्लियर, ज्योतिरादित्य ने थम्सअप, मेहुल अगर आपको कुछ पूछना है तो मैंने आपको अनम्यूट करने की उसको दिया है, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है मैंने। हाँ बेटा पूछो। सर फिर हम यही जो चीज है, यही हम लोग अब मतलब जो हमारा थर्ड डे होगा तो हम उसको रोबोटिक्स में करेंगे। इस टाइप के लॉजिक को मैं आपको चला के बताऊंगा रोबोटिक्स के अंदर कैसे करते हैं, बट 3 days इज नॉट सफिशियंट टू इम्प्लीमेंट ऑल दी कोडिंग पार्ट, रोबोटिक्स पार्ट, ये सब सफिशियंट नहीं। बट आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आए कि कोडिंग होती क्या है पहली बात, दूसरा उसको एक्चुअल मायने में कैसे समझा जाता है।
मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत डिफरेंट है। मैं तो आपको हमेशा आगे भी मैं आपको अभी से बता दूं, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यह बोलता हूं कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट अस डिस्कस, हम सब डिस्कस करें और फिर सॉल्यूशन की तरफ आए। जब आप इस तरीके से आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो कल जब कोई बड़ी प्रॉब्लम भी आपके पास में आती है तो आप बहुत इजीली उसको सॉल्यूशन बना सकते हो। क्लियर है मेरी बात? ओके, वेरी गुड बेटा। सो आई होप राशि, बेटा राशि समझ में आया? राशि 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 इज वेयर? राशि मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए कहा है। सर आई हैव अ डाउट। हां बेटा वेरी गुड, पूछो पूछो पूछो, वेरी गुड। सर हाउ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस? यस दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, हाउ टू चेंज द डायरेक्शन। अगर मुझे इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो बेटा अपना चूंकि ऑलरेडी वी आर 10 मिनट्स लेट, मतलब थोड़ा सा अपना फर्स्ट 1 घंटे क्लास हो गया है, कल की क्लास में मैं डेडिकेटेड यही सब चीजें आपको कल कंप्लीट करवाने वाला हूं, जिसमें मैं इसका डायरेक्शन कैसे चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, मल्टीपल बैकग्राउंड्स कैसे लेके आने हैं, ये सभी चीजों के ऊपर मैं काम करने वाला हूं कल की डेट में। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, सभी लोगों को अटेंड भी करना है, और अभी मैंने जो आज आपको बताया है इसको आपको एक बार घर पे कोशिश कीजिएगा रिपीट करने की। आप बोलेंगे सर अगर मुझे डाउट आया तो मैं क्या करूंगा, तो आपको अगर डाउट आए तो मुझे आप व्हाट्सएप पे पर्सनली लिख के भेज सकते हैं, आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर। इज दैट क्लियर? उसमें कोई परेशानी तो नहीं है? निकिता जी के यहां से दोनों बच्चे समझ में आ रहा बेटा? ओके वेरी गुड। तो लेट अस वाइंड अप दिस आज की क्लास। हम लोग चूंकि हम ऑलरेडी 10-12 मिनट ऑलरेडी शॉर्ट है और कुछ स्टूडेंट्स को दूसरी क्लासेस भी ज्वाइन करनी है बाद वाली, तो अभी जो है आज की हम इस क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। मैं आगे आने वाली क्लास के कल पूरा कोडिंग वाला पार्ट करेंगे, उसकी अगली क्लास में हम लोग व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रोबोट्स दैट वी कैन यूज, उनके कुछ वीडियोस और उन रोबोट्स के अंदर प्रोग्रामिंग किस टाइप से की जा सकती है उसको डायरेक्टली चला के भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है? सो अगर ये पूरी चीजें आप लोग सीखना चाहते हैं तो कल और परसों दोनों चीजें बहुत ध्यान से अटेंड भी कीजिएगा, और आज घर पे आधा घंटा अगर आप इस चीज को जो मैंने आज बताया है इसको रिपीट करने में अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कल आपको बहुत अच्छे सभी चीजें समझ में आएगी, ठीक है? अगर अभी भी किसी को कोई डाउट क्वेश्चन क्वेरीज है तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजिए, अदरवाइज आप लोग जिनको लीव करना है वो लोग लीव कर सकते हैं, मैं भी दो मिनट बाद इस क्लास को वाइंड अप कर दूंगा। मैं 2 मिनट का समय इसलिए दे रहा हूं कि अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाय बेटा शार्वी, थैंक यू, वेलकम। शार्वी आपको बेटा आपका इंटरनेट का इशू हो गया तो बाद में क्लियर, चलो चले गई हो, ओके गुड। भव्य थैंक यू, वेलकम बेटा, वेलकम। शानिया वेलकम। अर्नव वेलकम बेटा। गुड राशि वेलकम। अर्श अर्श बेटा समझ में आया आपको सभी चीजें? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं बेटा, आप आपका क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछो, कुछ पूछना है तो। सानिया आपको सब चीजें समझ में आई थी बेटा? हिंदी में कोई इशू तो नहीं था? सब चीजें समझ में आया था? गुड गुड गुड। कोई भी डाउट हो तो पूछना बेटा, है ना, परेशान मत होना, पूछना मेरे से। अर्श आपको कुछ पूछना है? समझ में आया सभी? यस। ओके वेरी गुड, चलो बाय बाय।